everyone, welcome to Learn with Tricks. Today we are going to study February 2022 current affairs and this is part 1. This video is very important for all students who are preparing for any competitive exam. So watch this video till end. So don't forget to subscribe my channel for latest updates. So let's get started. First question is, who is the chairperson of the empowered group of secretary to monitor the progress of the PLI scheme for the textile sector? कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना की प्रगति की निगरानी के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह ईजीओएस के अध्यक्ष कौन है? अब यहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया है सेक्रेटरीज का, किसके लिए? टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, और एक स्कीम है पीएलआई स्कीम. ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, इकोनॉमिक सेक्रेटरी. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वो कौन सी सेक्रेटरी है. सो द आंसर इज कैबिनेट सेक्रेटरी. ओके, अब ये जो पीएलआई स्कीम है ना, ये है क्या? तो इस पीएलआई स्कीम में ना भारत में जो पंजीकृत विनिर्माण कंपनियां हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगी. ठीक है, यानी कि केवल भारत में पंजीकृत विनिर्माण कंपनियां ही कपड़ा क्षेत्र के लिए स्वीकृत 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादक संबंध प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तहत भाग लेने के लिए पात्र होंगी. ठीक है, जो भारत की ही पंजीकृत कंपनियां होंगी. सो कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा है? कैबिनेट सेक्रेटरी. ओके, द एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी विल मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द पीएलआई स्कीम. यानी कि ये पीएलआई स्कीम कहाँ तक आगे बढ़ रही है, इसी के देखरेख के लिए ये सेक्रेटरीज का ग्रुप बनाया गया है. ओके, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह ईजीओएस इस पीएलआई योजना की प्रगति की निगरानी करेगा. ओके, निगरानी करने के लिए ये ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया गया है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर द टेलकॉम कंपनीज टू स्टोर इंटरनेशनल कॉल्स, सेटेलाइट फोन कॉल्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स एंड मैसेजेस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ हाउ मैनी ईयर्स. ठीक है, भारत सरकार ने दूर संचार कंपनियों के लिए कम से कम कितने वर्षों की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉल, सेटेलाइट फोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, संदेशों को स्टोर करना अनिवार्य कर दिया गया है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज 2 ईयर्स, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर. सो द करेक्ट आंसर इज 2 ईयर्स. यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेलकॉम कंपनीज के लिए ज़रूरी कर दिया गया है कि वो कम से कम 2 साल तक का डाटा स्टोर करके रखें अपने पास किसी भी इंटरनेशनल कॉल्स का, सैटेलाइट कॉल का या कॉन्फ्रेंस कॉल का. ओके, सो कितने साल तक रखना अनिवार्य कर दिया गया है? 2 साल तक. ओके, द गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर टेलकॉम कंपनीज फॉर द स्टोरेज ऑफ इंटरनेशनल कॉल्स, सैटेलाइट फोन कॉल्स एंड मैसेजेस मेड ओवर नॉर्मल नेटवर्क एज वेल एज ऑन द इंटरनेट कॉल फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स. ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे. राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी. ओके, सो द आंसर इज 31 जनवरी. ओके, आंसर क्या हो जाएगा? 31 जनवरी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड 30th नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे प्रोग्राम. और किस नंबर का ये फाउंडेशन डे प्रोग्राम है? 30th नंबर का. ओके, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्होंने पार्ट लिया इस प्रोग्राम में ऑन जनवरी 31, 2022. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस. फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ओके, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ना उसको कवर किया है एक अलग से वीडियो में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ फेब्रुअरी एंड जनवरी. तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी करंट अफेयर्स को याद रखने में. ओके, अब वो बुक सारी हमने ट्रिक्स से पढ़ी है तो आपको ईजिली बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. तो जिसने ये वीडियो देखा होगा इंपॉर्टेंट बुक्स वाला, वो इस क्वेश्चन को फट से कर सकता है. तो फर्स्ट ऑप्शन है ना रघुराम राजन, सुब्रमण्यम स्वामी, बीमल जलन, डॉक्टर किरण बेदी. ओके, सो द आंसर इज डॉक्टर किरण बेदी. ओके, किरण बेदी भी क्या है? एक फियरलेस वुमेन है, एक आईपीएस ऑफिसर रह चुकी हैं वो, और उनका गवर्नेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए फियरलेस गवर्नेंस की राइटर कौन हो जाएंगी? किरण बेदी हो जाएंगी. ओके, द बुक टाइटल फियरलेस गवर्नेंस ऑथर्ड बाय डॉक्टर किरण बेदी हैज़ बीन रिलीज्ड. ओके, द फिफ्थ क्वेश्चन इज इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 हैज़ प्रोजेक्टेड हाउ मच ग्रोथ इन इंडियाज जीडीपी इन फाइनेंशियल 23. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 23 में भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि होगी. ठीक है, एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ है 21 और 22 में, और ये अनुमान लगाया गया है कि 2023 में भारत की जीडीपी दर कितनी होगी, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है. तो भारत की जीडीपी दर कितनी होगी?
8 से 8% यानी कि 8 से 8% का अनुमान लगाया गया है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। ओके, द इकोनॉमिक सर्वे 2022 प्रोजेक्ट्स इंडियाज जीडीपी ग्रोथ टू बी बिटवीन 8 to 8.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। राइट, द सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ श्री इकबाल सिंह किंगरा हु पास्ड अवे। श्री इकबाल सिंह किंगरा जिनका निधन हो गया है का पेशा क्या था? एनवायरमेंटलिस्ट थे, इकोनॉमिक्स थे, इकोनोमेट्रिशियन थे या एजुकेशनलिस्ट थे? ओके, सो ऑप्शन जी इज करेक्ट, एजुकेशनलिस्ट थे। श्री इकबाल सिंह किंगरा हु वाज एन इंडियन सोशियो स्पिरिचुअल लीडर यानी कि सामाजिक आध्यात्मिक एक सोशल लीडर थे सिख कम्युनिटी से एंड एन एजुकेशनलिस्ट पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95 ईयर्स की एज में इनकी निधन हो गया। ओके, सेवन क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द रिकॉर्ड ब्रेकिंग 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल। रिकॉर्ड तोड़ 21वां ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डैनियल मेदवेदेव, रोजर फेडरर। अब इस जिस पर्सन ने जीता है ना वो इनका रिकॉर्ड 21वां बार है यानी कि ये 21 बार से जीते हुए आ रहे हैं और इस बार भी जीते हैं। सो द आंसर इज राफेल नडाल। ओके, राफेल नडाल वॉन हिज रिकॉर्ड ब्रेकिंग 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल आफ्टर मेकिंग अ स्टर्निंग कमबैक इन द मेन सिंगल फाइनल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। ओके, एट क्वेश्चन इज दिस टीम हैज वॉन द 2022 वुमेन्स पैन अमेरिकन कप फील्ड हॉकी टूर्नामेंट। किस टीम ने 2022 महिला पैन अमेरिकन कप फील्ड हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है? कनाडा, अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे। सो द आंसर इज अर्जेंटीना। ओके, अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनोस आयर्स। ओके, अर्जेंटीना डिफीटेड चिली 4-2 टू विन इट्स सिक्स्थ वुमेन फील्ड हॉकी चैंपियनशिप टाइटल एट द 2022 वुमेन पैन अमेरिकन कप। ओके, अर्जेंटीना ने डिफीट किया है चिली को 4-2 से किसका टाइटल जीतने के लिए? सिक्स्थ वुमेन फील्ड हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल जीतने के लिए। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन इज अश्नीर ग्रोवर इज द को फाउंडर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज। अश्नीर ग्रोवर निम्नलिखित में से किस कंपनी के सह संस्थापक हैं? भारत पे, पेटीएम, पेपल, ग्लोबल 66। सो द आंसर इज भारत पे। ओके, अश्नीर ग्रोवर इज द को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पे। भारत पे के MD एंड को फाउंडर कौन है? अश्नीर ग्रोवर। राइट, टेंथ क्वेश्चन इज इंडियाज उन्नति हुड्डा रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन विच गेम टू विन गोल्ड। बैडमिंटन, टेनिस, एथलेटिक्स, हॉकी। ओके, सो द आंसर इज बैडमिंटन। इंडियन टीनेजर उन्नति हुड्डा बीट कॉम्प्रियोट सुमित तोशनीवाल 21-18, 21-11 टू क्लेम द वुमेन सिंगल टाइटल एट द 2022 उड़ीसा ओपन बैडमिंटन शिप। ओके, सो उड़ीसा में ये बैडमिंटन शिप हुई है और उन्नति हुड्डा ने क्या कर लिया है? गोल्ड विन कर लिया है, गोल्ड अपने नाम कर लिया है और ये किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। ओके, 11th क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ द LIC हुज टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट टिल मार्च 2023। LIC के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2023 तक सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है? MR कुमार, सिद्धार्थ मोहंती, पंकज जैन, मुकेश गुप्ता। सो द आंसर इज MR कुमार। द गवर्नमेंट हैड एक्सटेंडेड द टेंचर ऑफ मिस्टर कुमार द चेयरमैन ऑफ IPO फाउंड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC बाय 1 ईयर टिल मार्च 2023। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है, जो वर्किंग टाइम पीरियड है, उसको बढ़ा दिया गया है एक साल तक, मार्च 2023 तक। किसका? MR कुमार का। ओके, 12th क्वेश्चन इज एज पर NASSCOM द एसेट अंडर मैनेजमेंट फॉर एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस ESG फंड्स वर रिकॉर्डेड हाउ मच इन 2021। NASSCOM के अनुसार पर्यावरण, सामाजिक और शासन फंड के प्रबंध के तहत संपत्ति 2021 में कितनी दर्ज की गई है? ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज $500 मिलियन, $450 मिलियन, $650 मिलियन, $600 मिलियन। ओके, सो द आंसर इज $650 मिलियन। IT इंडस्ट्री बॉडी NASSCOM हैज इन्फॉर्म्ड दैट द एसेट अंडर मैनेजमेंट फॉर एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फंड्स इन इंडिया इंक्रीज 2.5 times to $650 million in the financial year 2021 on an annual basis। यानी कि annual basis पे NASSCOM ने ये बताया है कि भारतीय की जो संपदा है environment में, social में एंड governance में, वो 2.5 गुना बढ़ चुकी है और कितनी हो गई है? 650 मिलियन हो गई है financial year 2021 में। ओके, अब हम बात करेंगे ना NASSCOM की। सो NASSCOM का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा, UP में है। NASSCOM है क्या? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? नोएडा, UP में। राइट, 13th क्वेश्चन इज विच सेक्टर वॉज लीस्ट अफेक्टेड बाय द COVID-19 पैंडेमिक एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा क्षेत्र COVID-19 महामारी में सबसे कम प्रभावित था? ओके, ऑलमोस्ट तो हर सेक्टर ही प्रभावित था। ठीक है, पूरे वाइड वर्ल्ड देखें तो हर एक सेक्टर को बहुत इम्पैक्ट पड़ा था, चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो चाहे नेगेटिव इम्पैक्ट हो। तो सबसे ज़्यादा कम किस पे पड़ा है? तो सबसे ज़्यादा कम किस सेक्टर पे पड़ा है? एग्रीकल्चर पे। राइट,
द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज लीस्ट अफेक्टेड बाय द लॉकडाउन ऑफ वेरियस काइंड्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सन्याल। इकोनॉमिक एडवाइजर है संजीव सन्याल, उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन के टाइम एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा कम इफेक्ट पड़ा है लॉकडाउन का। ओके, 14th क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन वुमेन टू विन ऑस्ट्रेलियन ओपन इन 44 ईयर्स। फर्स्ट ऑप्शन इज मैडिसन इंगल्स, डारिया सेविली, समांथा स्टोर, एशले बार्टी। सो द आंसर इज एशले बार्टी। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है और जो इस बार जीती है ना एशले बार्टी, वो भी कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। इसलिए ये क्या बन गया है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है क्योंकि 44 वर्षों बाद ये जीता है कोई, वो भी ऑस्ट्रेलिया का। सो वर्ल्ड नंबर वन एशले बार्टी बिकम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन वुमेन टू विन ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंस क्रिस्टाइन ओनील इन 1978। फिफ्टींथ क्वेश्चन इज वॉट इज द स्लोगन फॉर द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज डे 2022। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2022 का नारा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज क्विकर पिकर अपर, फ्रॉम नेग्लेक्ट टू केयर, अ डायमंड इज फॉर एवर, देयर आर सम थिंग्स मनी कैन नॉट बाय। सो द करेंट आंसर इज फ्रॉम नेग्लेक्ट टू केयर। स्लोगन फॉर द वर्ल्ड नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज डे 2022 इज फ्रॉम नेग्लेक्ट टू केयर। ओके, सिक्सटीन्थ क्वेश्चन इज जनवरी 30 इज ऑब्जर्व एवरी ईयर एज द मार्टियर्स डे ऑफ महात्मा गांधी। द ईयर 2022 वर्क विद डील एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ नेशन। हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2022 में राष्ट्रपिता की कौन सी पुण्यतिथि है? ठीक है, 30 जनवरी को मार्टियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है ना कि महात्मा गांधी की कौन से नंबर की जयंती है, तो कौन से नंबर की जयंती है? 74th। ओके, और अगर आपने अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज वाला भी वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे से सारे डेज लर्न हो जाएंगे विथ थीम। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी ऑन द ओकेजन ऑफ हिज 74th डेथ एनिवर्सरी ऑन जनवरी 30, 2022। 17th क्वेश्चन इज हु विल अंडरटेक द इनिशिएटिव नेम शी मींस बिजनेस प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद फिकी। फिकी के साथ साझेदारी में शी मींस बिजनेस प्रोग्राम नाम की पहल कौन करेगा? ठीक है, फिकी के साथ किसकी पार्टनरशिप हुई है, यानी कि अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा। सो द आंसर इज मेटा। ओके, मेटा विल अंडरटेक दिस इनिशिएटिव अंडर इट्स शी मींस बिजनेस प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद फिकी इज एम्पावरिंग द ग्रेटर 50% इनिशिएटिव। 50% तक इनिशिएटिव बढ़ाने के लिए फिकी ने साझेदारी की है मेटा के साथ। ओके, और मेटा क्या है? फेसबुक का दूसरा नाम मेटा है, यानी कि फेसबुक का नाम क्या बन गया है? मेटा बन गया है। अब हम बात करते हैं फिकी की। फिकी का हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में। और फिकी क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड फेडरेशन इंडस्ट्री। ओके, 18th क्वेश्चन इज Which institution released the death penalty in India report? किस संस्था ने भारत में मृत्यु दंड रिपोर्ट जारी की है? First option is National Law University, National Crime Record Bureau, both A and B, and D, none of the above. So the correct answer is National Law University. Death penalty is Indian report was released by the Criminal Law Reform Advocacy Group at the National Law University Delhi, name project 39A. Okay, अब प्रोजेक्ट का नाम क्या है? 39A. ठीक है, डेथ पेनल्टी रिपोर्ट, इसमें होता क्या है डेथ पेनल्टी रिपोर्ट पे, कि कितने भी जो क्रिमिनल्स हैं ना, उन्होंने उनकी मानसिक स्थिति क्या थी जब वो क्रिमिनल बने। ओके, इसी चीज की रिपोर्ट जारी की गई है अंडर प्रोजेक्ट 39A. ओके, डेथ पेनल्टी रिपोर्ट बाय लॉ यूनिवर्सिटी। ओके, बाय क्रिमिनल लॉ एडवोकेसी ग्रुप एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ओके, इसमें क्या होता है ना, लीगल रिसर्च एक तरीके से, जिसमें 2013 से और 2015 के बीच मृत्यु दंड की सजा पाए कैदियों का इंटरव्यू किया गया है। ओके, इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट 39A. ओके, 19th क्वेश्चन इज पीएम मोदी एड्रेस द सेलिब्रेशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे प्रोग्राम टू मार्क विच एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NCW. पीएम मोदी ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की किस वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय महिला स्थापना दिवस कार्यक्रम के समारोह को संबोधित किया है? 25th, 46th, 30th, 48th. ओके, सो आंसर इज 30, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे प्रोग्राम का 30वां दिवस मनाया गया है। ओके, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। 20th क्वेश्चन इज एंटोनियो कोस्टो इज री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ओके, एंटोनियो कोस्टो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए हैं? पुर्तगाल, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी। सो द आंसर इज पुर्तगाल। पुर्तगाल के फिर से प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं? एंटोनियो कोस्टो। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल एंटोनियो कोस्टो हैज़ बिन री इलेक्टेड आफ्टर इज सेंटर लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी सिक्योर अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द 2022 पुर्तगीज लेजिस्लेटिव इलेक्शन। ठीक है, और इनकी पार्टी का नाम क्या है? सोशलिस्ट पार्टी। ओके, सेंटर लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड हैज़ बिन एक्वायर्ड बाय विच ऑफ दिस कंपनीज। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण इनमें से किस कंपनी ने किया है? NTPC लिमिटेड, टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी ग्रुप। सो द आंसर इज टाटा ग्रुप। ओके,
नीलाचल एक स्टील निगम कंपनी है जिसका अधिग्रहण आप किसने कर लिया है? टाटा ग्रुप ने कर लिया है। टाटा ग्रुप कंपनी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड TSLP हैज़ एक्वायर्ड उड़ीसा बेस्ड नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड फॉर ₹12,100 करोड़। ओके, 12,100 करोड़ में उड़ीसा के एक नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है किसने? टाटा ग्रुप ने। ओके, 22 क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फियरलेस गवर्नेंस? ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सो द आंसर इज किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन वुमेन हॉकी टीम वॉन विच पोजिशन इन द एशियाज कप 2022? भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में कौन सा स्थान जीता है? कौन सा स्थान जीता है? थर्ड। अब थर्ड यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता होगा, राइट? इंडियाज वुमेन हॉकी टीम हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर बीटिंग फॉर्मर चैंपियंस चाइना थ्रू सविता पुनिया लेड मिस डिफेंडिंग देयर एशिया कप टाइटल दे रिटर्न विथ ब्रॉन्ज। ओके, ब्रॉन्ज से ही संतुष्टि करनी पड़ी क्योंकि सविता पुनिया जो एक गोल कीपर हैं, एशिया कप में वो सही से डिफेंड नहीं कर पाए। ओके, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया ने, भारतीय महिला हॉकी टीम ने। ओके, 2022 का। और किसको हरा के ब्रॉन्ज जीता है? चाइना को। 24th क्वेश्चन इज एज ऑफ 2022 विच कंट्री इज द टॉप स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? 2022 तक विश्व का शीर्ष इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए, चाइना। द आंसर इज इंडिया। ओके, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग नेशन एज इट इज मैन्युफैक्चर्ड 100.3 MT स्टील इन 2020 में। 2020 में सेकेंड पोजिशन पे था इंडिया में। ओके, बट 2022 तक अब इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है, ठीक है? और फर्स्ट पोजीशन पे पहले कौन था? चाइना था। ओके, 25th क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इन टू द नेचुरल गैस सिस्टम हैज़ बिन लॉन्च बाय गेल इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री? प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना गेल द्वारा देश के किस राज्य में शुरू की गई है? ओके, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। द आंसर इज मध्य प्रदेश। यानी कि खुद इंडिया की बनाई गई या मिक्स करी हुई हाइड्रोजन को किसमें? नेचुरल गैस में, ठीक है? और किसने लॉन्च किया है? गेल ने, यानी कि खुद इंडिया की। तो कौन सी कंट्री का कौन सा स्टेट? तो इंडिया का कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश। ओके, गेल इंडिया लिमिटेड हैज़ स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू नेचुरल गैस सिस्टम एट इंदौर, मध्य प्रदेश, ठीक है? शुरू हुआ है भारत का पहला। 26th क्वेश्चन इज इंडिया इज कमिटेड टू अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर? भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है? यानी कि कार्बन का एमिशन बिल्कुल जीरो करना है, तो कब तक इसका टारगेट रखा गया है? 2070 तक। ओके, अब 2070 तक तो पता नहीं तब तक क्या हो जाए। इंडिया हैज़ कमिटेड टू अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। मिक्सिंग नाइट्रोजन विथ रेन्यूएबल एनर्जी विल हेल्प इन अचीविंग दिस गोल। ओके, 27th क्वेश्चन इज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ विच स्टेट अनवील्ड शेरा एज इट इलेक्शन मस्कट? किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने चुनाव शुभंकर के रूप में शेरा का अनावरण किया है? फर्स्ट ऑप्शन इज उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, डी इज एशिया। द करेक्ट आंसर इज पंजाब। ओके, द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO ऑफिस ऑफ पंजाब अनवील द इलेक्शन मस्कट शेरा। अपना इलेक्शन मस्कट क्या रखा है? शेरा, यानी कि लॉयन। ओके, 28th क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड साइन MOU विथ रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट? रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए किस संगठन और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? IRCTC, हिटको, NTPC, IREDA। द करेक्ट आंसर इज इरेडा, IREDA। इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरेडा साइन एन MOU विद गोवा शिपयार्ड लिमिटेड टू प्रोवाइड दिस टेक्नो फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज टू सेट अप अ रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट। ओके, रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए गोवा शिपयार्ड ने इरेडा के साथ क्या किया है? साझेदारी की है, MOU साइन किया है। ओके, 29th क्वेश्चन इज NPCI हैज अनाउंस टू ऑब्जर्व विच मंथ एज द UPI सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ? NPCI ने अनाउंस किया है
यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ, ओके, कौन से मंथ को? फेब्रवरी को, ओके। फर्स्ट से 7 फेब्रवरी को एनपीसीआई ने यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ अनाउंस किया है, बट एज अ फेब्रवरी, ठीक है, होल फेब्रवरी को ही यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। वैसे तो 1 से 7 फरवरी किया गया है, लेकिन पूरे महीने को भी फिर मान लिया गया है यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ, ओके। 30th question is, वॉट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय क्या है? क्या है केंद्रीय विषय? एथिकल वेल्थ क्रिएशन, सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड, एजाइल अप्रोच, इनेबल मार्क्स, प्रमोट प्रो बिजनेस पॉलिसीज, ओके। सो द आंसर इज एजाइल अप्रोच, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लेयर हैज़ बीन अवार्डेड द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021? किस खिलाड़ी को 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुनील छेत्री, टेलर क्यूमिंग, पीआर सिरीज, सवित पुनिया, ओके। सो द आंसर इज हॉकी प्लेयर पीआर सिरीज। इंडियन मेंस हॉकी प्लेयर पीआर सिरीजेश हैज वॉन द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 वॉन बाई पीआर सिरीजेश। ही इज द सेकेंड इंडियन आफ्टर रानी रामपाल टू विन दिस अवार्ड, ओके। 32th question इज, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल 2022 किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच रीजन? चंडीगढ़, लद्दाख, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, ओके। सो द आंसर इज लद्दाख। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है? स्पुतिक गस्टर, अ 2 annual सेलिब्रेशन ऑफ लद्दाख कल्चर, ट्रेडिशनल हेरिटेज इन ले एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ओके। कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? लद्दाख में 2 दिन का लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, जो लद्दाख के कल्चर और ट्रेडिशनल हेरिटेज को बताता है लेह में, ओके। 33th question इज, होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन अंडर द सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकंसल्टेशन स्कीम इज इफेक्टिव हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? सेवाओं के तहत दवाओं की होम डिलीवरी, ई स्वास्थ्य सहायता और टेलीकंसल्टेशन योजना प्रभावी है, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ओके। सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ओके। अब दवाओं का ना होम डिलीवरी हो जाया करेगी, ठीक है, जो डिफेंस है ना उनके खुद के पर्सनल के लिए भी और जो उनकी फैमिली है उनके लिए भी, ओके। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड हैड लॉन्च द सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत, ओके। क्या याद रखना है आपको? सेहत सर्विसेज फॉर ऑल एंटाइटल्ड आर्म फोर्सेज पर्सनल एंड देयर फैमिलीज, उनके खुद के पर्सनल के लिए भी, जो आर्म फोर्सेज में जो भी पर्सन है वो खुद के लिए भी और उनके फैमिलीज के लिए भी ये सेहत योजना बनाया गया है, ओके। 34th question इज, ज्यूमारा कास्ट्रो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन इज पराग्रे, होंडुरस, निकारागुआ, इक्वाडोर, ओके। सो द आंसर इज होंडुरस, ओके। इसकी कैपिटल क्या है? टेगुसिगाल्पा, टेगुसिगाल्पा, ओके। इन होंडुरस द फ्रीडम एंड रिफाउंडेशन पार्टी लिब्रे मेंबर ज़िमोरा कास्ट्रो हैज़ बीन स्वॉन इन एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है इस कंट्री की, कहाँ की? होंडुरस, और इसकी कैपिटल क्या है? टेगुसिगाल्पा, ओके, टेगुसिगाल्पा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 35th question इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू रिप्लेस लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती? लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती के जगह लेने के लिए नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इज लेफ्टिनेंट जनरल सारथ चंद, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सिंह राय, लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्या बनाया गया है इन्हें? न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ही विल टेक ओवर फ्रॉम लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती हु सुपर एनुएटेड, ओके। 36th question इज, हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन टू विन द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं?
दूसरे भारतीय कौन बने हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज मनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा, पियर्स रिचेस एंड पीवी सिंधु। ओके, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने अर्लियर भी देखा था। सो द करेक्ट आंसर इज पियर्स रिचेस। इंडियन मैन हॉकी टीम गोल कीपर पियर्स रिचेस वॉज नेम वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल एथलीट एंड सेकेंड इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू ओवरऑल टू विन द ऑनर। ओके, इंडिया के पहले हैं, ओके, और सेकेंड है इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्लेयर्स आर इंक्लूडेड इन द फाइनल आईपीएल 2022 प्लेयर ऑक्शन लिस्ट। अंतिम आईपीएल 2022 खिलाड़ी नीलामी सूची में कितने खिलाड़ी शामिल हैं? 1090, 750, 519, 630। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 590 प्लेयर्स। ओके, द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल अनाउंस द फाइनल प्लेयर ऑक्शन लिस्ट कंप्राइजिंग 590 प्लेयर्स। कितने प्लेयर्स हैं? 590 प्लेयर्स हैं। ओके, 38th क्वेश्चन इज हाउ मेनी साइट्स इन इंडिया आर लिस्टेड इन यूनेस्को इनिशिएटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट्स। भारत में कितने स्थल यूनेस्को की विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में सूचीबद्ध हैं? 46, 50, 52, 61। सो द करेक्ट आंसर इज 46। यानी कि भारत में कितने वर्ल्ड यूनेस्को साइट्स हैं? 46। ओके, फर्स्ट कौन सा था? अजंता केव्स एंड आगरा फोर्ट। ओके, करेंटली इंडिया हैज़ 46 साइट्स लिस्टेड एज यूनेस्को इनिशिएटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट्स। 39th क्वेश्चन इज SBI हैज़ पार्टनर विद विच कंपनी फॉर फाइनेंसिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट थ्रू इट्स डेडिकेटेड सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल नेम्ड सूर्य शक्ति सेल। SBI ने सूर्य शक्ति सेल नामक अपने समर्पित केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल के माध्यम से और ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? ठीक है, जैक्सन ग्रुप, मोजर बेयर सोलर, फोटोन एनर्जी सिस्टम, टाटा पावर सोलर। सो द करेक्ट आंसर इज टाटा पावर सोलर। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कोलेबोरेटेड विद टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड टू लॉन्च अ डेडिकेटेड सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल नेम सूर्य शक्ति सेल टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। सोलर पावर प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं उसी को और बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, और उसको पुश करने के लिए सूर्य शक्ति सेल क्या किया है? सूर्य शक्ति सेल के साथ पार्टनरशिप किया है SBI ने। ओके, सूर्य शक्ति सेल के लिए पार्टनरशिप किया है SBI ने किसके साथ? टाटा पावर सोलर के लिए। ओके, 40th क्वेश्चन इज द ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी GCOE ACE हैज़ बीन सेट अप एट विच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र GCOI इनमें से किस संस्थान में स्थापित किया गया है? ठीक है, IIT धनबाद, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT रोपर। सो द आंसर इज IIT धनबाद। ओके, IIT धनबाद, द ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए इनॉग्रेट किया गया है एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद IITDH इन कर्नाटका। कहाँ पे है ये? कर्नाटका में। ओके, 41 क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ नॉमिनेटेड द स्केयर्ड एग्जाम्पल्स ऑफ हौसला और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर 2022-23। द हौसला टेम्पल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 2022-23 के लिए होयसल के पवित्र पहनावा या यूनेस्को की विश्व विरासत सूची को नामित किया है। होयसल मंदिर देश के किस राज्य में स्थित है? ओके, तो हमें सिंपल से ये क्वेश्चन बताना है कि होयसल जो मंदिर है वो किस राज्य में है। सो द आंसर इज कर्नाटका। ओके, सारे ही ऑप्शंस कहाँ के हैं? साउथ के, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सो द आंसर इज कर्नाटका। The Ministry of Culture has nominated the sacred ensembles of Hoysala located in Karnataka for UNESCO World Heritage List of 2022-2023. Okay? 42 question is, Spikevax, which received full approval from the US FDA, was manufactured by which pharma company? Spikevax, जिसे US FDA से पूर्ण स्वीकृति प्राप्त हुई, का निर्माण किस फार्मा कंपनी द्वारा किया गया है? एस्ट्राजेनेका, पी फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन एंड मॉडर्ना। सो द आंसर इज मॉडर्ना।
मॉडर्नस कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड स्पाइक वैक्स हैज रिसीव फुल अप्रूवल फॉर द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर यूज इन पीपल एज 18 एंड ओल्डर। ओके, स्पाइक वैक्स है क्या? स्पाइक वैक्स इज अ कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना। ओके, तो इसी कंपनी का नाम पूछा है, तो क्या नाम है? मॉडर्ना पूछा है। अब इसको अप्रूवल दे दिया है यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, और किसके ऊपर यूज हो सकता है? 18 से और उससे ज्यादा के ऊपर, लोगों के ऊपर। ओके, सो नॉर्मल सा 18 प्लस के लिए। ओके, 43 क्वेश्चन इज, टाटा स्काई हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ, व्हाट इज द न्यू ब्रांड नेम ऑफ एंटिटी? टाटा स्काई ने खुद को रीब्रांड किया है, इकाई का नया ब्रांड नाम क्या है? टाटा ट्रेंड, टाटा प्ले, टाटा वर्ड, टाटा प्रो। सो द आंसर इज टाटा प्ले। ओके, टाटा स्काई की जगह क्या अपना नाम कर दिया है? टाटा प्ले कर दिया है। ठीक है, स्काई की जगह अब क्या कर दिया है? प्ले। टाटा स्काई द लीडिंग डायरेक्ट टू होम DTH प्लेटफॉर्म हैज ड्रॉप द स्काई ब्रांड नेम आफ्टर 15 ईयर्स एंड हैज रिक्राइस्टेंड इटसेल्फ एज टाटा प्ले। ओके, तो 15 साल के बाद टाटा स्काई की जगह टाटा प्ले कर दिया गया है। ओके, 44th क्वेश्चन इज, द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस्ड विच कंट्री एज इट्स मेजर नॉन नाटो एलाय? ठीक है, नॉन नाटो एलाय का अनाउंसमेंट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, कौन सी कंट्री को? कतार, इसराइल, UAE, जापान। सो द आंसर इज कतार। ओके, US प्रेसिडेंट जॉय बाइडन डेजिग्नेटेड कतार अ मेजर नॉन नाटो एलाय ड्यूरिंग अ मीटिंग विद द रूलिंग लीडर ऑफ कतार एट द व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई और कतार को नॉन नाटो एलाय डेजिग्नेट कर दिया गया है। ओके, 45th क्वेश्चन इज, वयम रक्षम और वी प्रोटेक्ट इज द थीम ऑफ विच आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया? वयम रक्षाम या वी प्रोटेक्ट भारत के किस सशस्त्र बल का विषय है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडियन कोस्ट गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या असम सेंटाइल्स। सो द आंसर इज इंडियन कोस्ट गार्ड। ICG इज द फोर्थ लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड इन द वर्ल्ड एंड द मोटो ऑफ वयम रक्षाम और वी प्रोटेक्ट। ठीक है, जो ICG है ना, वो फोर्थ नंबर का कोस्ट गार्ड है इंडिया में। ओके, और इसका मोटो या इसकी थीम या इसका विषय क्या है? वयम रक्षाम और वी प्रोटेक्ट। ओके, 46th क्वेश्चन इज, हु इज द ओनली इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू हैव वॉन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड? अब कौन से अवार्ड की बात हो रही है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? विराट कोहली, MS धोनी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। सो द करेक्ट आंसर इज सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इज द ओनली इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू हैव वॉन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। अब ये अवार्ड क्या है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, और सिर्फ सचिन तेंदुलकर को ही अभी तक मिला है। ओके, फर्स्ट इंडियन। सो एवरी ईयर दिया जाने वाला एक वार्षिक प्राइज है, और इसे पूरे साल खेल जगह में असाधारण प्रदर्शन कर उपलब्धियों को हासिल करने वाले प्लेयर्स या टीमों को दिया जाता है। ठीक है, जिसने पूरे साल या कई समय से अच्छा प्रोग्रेस या अच्छा अपना गेम दिखाया है, उस प्लेयर्स को सेलेक्ट करके ये प्राइज दिया जाता है। ओके, 47th क्वेश्चन इज, विच इंडियन एथलीट हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रो ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड? अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी? लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रो। ठीक है, अब यहाँ की जो कैटेगरी है वो चेंज हो गई, वो कौन सी है? लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रो ऑफ द ईयर 2022। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज PV सिंधु, नीरज चोपड़ा, रानी रामपाल, पियर्स रिजेज। सो द करेक्ट आंसर इज नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को क्या दिया गया है? लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रो ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। इंडिया ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रो ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। ओके, 48th क्वेश्चन इज, द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड विच एडिशन ऑफ इट्स रेजिंग डे सेरेमनी? भारतीय तटरक्षक बल ने अपने स्थापना दिवस समारोह का कौन सा संस्करण मनाया है? 49, 46, 42, 44। सो द करेक्ट आंसर इज 46। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस समारोह मनाया है? 46th। द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG सेलिब्रेटिंग इट्स 46th रेजिंग डे। ओके,
49th क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 का विषय क्या है? वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ओके, 50 क्वेश्चन इज UNCITRAL सीन इन द न्यूज इज अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी एसोसिएटेड विद विच फील्ड। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है UNCITRAL, ये किस फील्ड से जुड़ी है? क्लाइमेट चेंज, इंसॉल्वेंसी, चिल्ड्रन वेलफेयर, हेरिटेज। सो द करेक्ट आंसर इज इंसॉल्वेंसी। ओके, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मॉडल लॉ ऑन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी 1997 इज द मोस्ट वाइडली एक्सपेक्टेड लीगल फ्रेमवर्क ऑन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। ओके, सो इसका वर्ग क्या है UNCITRAL का? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसका? यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। ओके, और ये इंटरनेशनल ट्रेड एंड निवेश को सुविधाजनक बनाने का काम करती है। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेना ऑस्ट्रेलिया में, वेना ऑस्ट्रिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51। द वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी, 1 फरवरी। सो द करेक्ट आंसर इज February 2। ओके, February 2। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन February 2 ऑल ओवर द वर्ल्ड। 52 क्वेश्चन इज विच प्लेयर हैज वॉन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022 इन द मास्टर सेक्शन? मास्टर सेक्शन में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस खिलाड़ी ने जीता है? फेबिनो क्योरेना, मैग्नस कार्लसन, हिकागो नाकुमारा, गैरी कैसर प्रो। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज मैग्नस कार्लसन। मास्टर सेक्शन में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2020 जीता है मैग्नस कार्लसन। ओके, इन चेस वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ऑफ नॉर्वे हैज वॉन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022 इन मास्टर सेक्शन। ओके, कहाँ के हैं ये? नॉर्वे के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत इनिशिएटिव? अब सेहत से हमने अर्लियर भी एक क्वेश्चन देखा इस वीडियो में। ओके, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कम्युनिकेशन सेहत पहल शुरू की है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री या साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री? सो द करेक्ट आंसर इज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। ओके, द यूनियन, सॉरी, द करेक्ट आंसर इज डिफेंस मिनिस्ट्री। ओके, द यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री हैड लॉन्च द सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत स्कीम। इट एम्स टू प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन फॉर वेटरन्स एंड सर्विंग मिलिट्री पर्सनल। ओके, मिलिट्री के जो पर्सनल हैं, जो खुद पर्सन हैं, उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए ये सेहत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ओके, 54th क्वेश्चन इज हैप्पी शॉप इज अ न्यू कन्वीनियंस स्टोर बिजनेस लॉन्च बाय विच कंपनी? हैप्पी शॉप, पेटीएम, HPCL, रिलायंस इंडस्ट्री, SBI। सो द करेक्ट आंसर इज HPCL। ओके, अब HPCL के ना न्यू MD एंड CEO कौन है? पुष्प कुमार, ठीक है। और अगर आपने अभी तक अपॉइंटमेंट्स की वीडियो भी नहीं देखी है तो गो एंड वॉच आफ्टर दिस वीडियो। ओके, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो द करेक्ट आंसर इज HPCL। ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे हो ना किसकी बात हो रही है? HPCL की। तो HPCL ने अपने ग्राहकों को उनकी सुविधा के अकॉर्डिंग दैनिक आवश्यकता के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए हैप्पी शॉप ब्रांड नेम के तहत अपने रिटेल स्तर का उद्घाटन करके गैर ईंधन खुदरा क्षेत्र में अपनी शुरुआत की है। ओके, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज मार्क इट्स फॉरे इनटू द नॉन फ्यूल रिटेलिंग सेक्टर बाय इनोग्रेटिंग इट्स रिटेल स्टोर अंडर द ब्रांड नेम हैप्पी शॉप टू मेक अवेलेबल द प्रोडक्ट्स ऑफ डेली नीड टू इट्स कस्टमर्स एंड देयर कन्वीनियंस। ओके, 55 क्वेश्चन इज पिंक इंश्योरेंस इज द टॉप मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ग्लोबली एज पर द लेटेस्ट ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट ऑफ 2022। द कंपनी इज फ्रॉम विच कंट्री? 2022 की नवीनतम ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार पिंक इंश्योरेंस विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा कंपनी है। कंपनी किस देश से है? चाइना, जर्मनी,
फ्रांस, सिंगापुर. सो द करेक्ट आंसर इज चाइना. ओके, पिंग एन इंश्योरेंस ऑफ चाइना इज अ टॉप ऑफ ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट रिलीज बाय ब्रांड फाइनेंस. ब्रांड फाइनेंस के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें 2022 की नवीनतम ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट पिंग इंश्योरेंस विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है और ये कहाँ की है? चाइना की. ओके, 56th क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC इन द ब्रांड फाइनेंस मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड इन 2022. 2022 में ब्रांड फाइनेंस के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में जीवन बीमा निगम LIC की वैश्विक रैंक क्या है? 15, 7, 3, 10. सो द करेक्ट आंसर इज 10. ओके, एज पर अ ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट रिलीज बाय ब्रांड फाइनेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हैज बीन रैंक 10th इन द लिस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली. ओके, ग्लोबली कौन सी पोजिशन है? 10th पोजिशन है. ठीक है, और किसने रिलीज किया है? ब्रांड फाइनेंस ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंडियन एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द विंटर ओलंपिक 2022 इन बीजिंग. ओके, बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कितने भारतीय एथलीट भाग ले रहे हैं? तो सिर्फ एक ही भारतीय एथलीट ने भाग लिया है, आरिफ खान. सो द आंसर इज 1. ओके, लोन इंडियन एथलीट आरिफ खान कैरीड द नेशनल फ्लैग एज ही रिप्रेजेंट द कंट्री एट द पराड नेशन एट द बीजिंग विंटर ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी ऑन फ्राइडे February 4. ओके, सो ये इकलौते हैं जिसने विंटर ओलंपिक में पार्ट लिया है, आरिफ खान, और इन्होंने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है परेड ऑफ नेशंस. ठीक है, जब परेड ऑफ नेशंस हुई है तो इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है. ओके, 58th क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द थर्ड इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप. ICC अंडर 19 विश्व कप में शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय कौन बन गए हैं? राज बाबा, शेख रशीद, यशदूल, सिद्धार्थ यादव. सो द आंसर इज यश ढल. ओके, 57th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको उसको याद रखना है. ये आरिफ खान एक इकलौते हैं जिन्होंने विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है. ओके, सो यश ढल हो जाएंगे 58th क्वेश्चन का आंसर. इंडिया अंडर 19 स्कीपर यश ढल हैज़ बिकम द थर्ड इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन द ICC यूनाइटेड नेशन क्रिकेट वर्ल्ड कप आफ्टर विराट कोहली एंड उन्मुक्त चंद. ओके, तो फर्स्ट है विराट कोहली, सेकेंड है उन्मुक्त चंद, और थर्ड अब कौन बन गए हैं? यश ढल बन गए हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI हैज़ अप्रूव्ड टू सेट अप द फर्स्ट एवर जियोलॉजिकल पार्क इन द कंट्री इन विच सिटी. भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GASI ने किस शहर में देश का पहला भू वैज्ञानिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? ओके, भू वैज्ञानिक पार्क स्थापित होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज अमरावती, सेकेंड ऑप्शन इज देहरादून, जबलपुर, गोरखपुर. सो द करेक्ट आंसर इज जबलपुर, मध्य प्रदेश. ओके, इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क इज बीइंग सेट अप एट लमेता विलेज ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, 16th क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी टू रिप्लेस लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों. लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों को बदलने के लिए सुरक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इज लेफ्टिनेंट जनरल गाव रेड्डी, लेफ्टिनेंट जनरल कुमार दवर, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल एम खरगे, लेफ्टिनेंट जनरल SC मल्हान. सो द करेक्ट आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल गाव रेड्डी. ओके, सो लेफ्टिनेंट जनरल गाव रेड्डी हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी. ओके, सो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? जनरल गाव रेड्डी. ही विल रिप्लेस लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों. ओके, 61st क्वेश्चन इज रुपेंद्र सिंह सूरी हु हैज पास्ड अवे वॉज करेंटली सर्विंग ऑन विच पोस्ट. रुपेंद्र सिंह सूरी जिनका निधन हो गया है वर्तमान में किस पद पर कार्यरत थे? डेप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया, वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ. सो द करेक्ट आंसर इज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, ये अभी भी प्रेजेंट में भी थे बट इनका क्या हो गया? निधन हो गया. ओके, सीनियर एडवोकेट एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रुपेंद्र सिंह सूरी हैज पास्ड अवे
Mr. Suri was appointed as the ASD on 30 January 2020 for a period till 29 June 2023. 30 January 2020 में ये अपॉइंट किए गए थे 2023 29 जून के लिए, बट इनका अब निधन हो गया है. तो ये क्या थे? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे और इनका नाम क्या है? रुपेंद्र सिंह सूरी. ओके, 62 क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन NSF फॉर 5 years टिल 2025-2026. हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड टू द स्कीम ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड? भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल संघ NSF की सहायता योजना को 5 साल के लिए 25-26 तक बढ़ा दिया है. विस्तारित अवधि में योजना को कितनी राशि आवंटित की गई है? ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की हेल्प करने के लिए 2025-2026 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है. और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस अवधि में कितने राशि आवंटित की गई है? सो द करेक्ट आंसर इज 1575 करोड़. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द कंटिन्यूशन फॉर द स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन NFS फॉर द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल 21-22-25-26. द आउटले ऑफ दिस स्कीम फॉर द नेक्स्ट 5 years विल बी 1575 करोड़. कितना हो जाएगा? 1575 करोड़. ओके, 63 क्वेश्चन इज विच कंट्री इनॉग्रेटेड द इज़िमुद्दीन सी लॉक, द वर्ल्ड लार्जेस्ट सी लॉक? ठीक है, किसे देश दुनिया ने सबसे बड़े समुद्री लॉक इज़िमुद्दीन सी लॉक का उद्घाटन किया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, USA, UAE. सो द करेक्ट आंसर इज नीदरलैंड. तो नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा इज़िमुद्दीन कैनाल लॉक या सी लॉक का इनॉग्रेशन किया गया है. ठीक है, और इसका डायमेंशन क्या है? ये 500 मीटर लॉन्ग है और 70 मीटर वाइड है. ओके, जिसे सी लॉक या कैनाल लॉक भी कहा जाता है. ठीक है, ओके, डच किंग नीदरलैंड विलियम अलेक्जेंडर ऑफिशियली ओपन द इज़िमुद्दीन सी लॉक विच इज क्लेम टू बी द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा है. ओके, 64th क्वेश्चन इज विच टीम हैज़ बिकम द फर्स्ट टू क्वालिफाई फॉर 4 कॉन्जिक्यूटिव अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल? कौन सी टीम लगातार 4 अंडर 19 विश्व कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है? फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज. ओके, तो अंडर 19 के लिए क्वालिफाई करने वाली कौन सी टीम बन गई है? इंडिया. ठीक है, लगातार 4 बार इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड हिस्ट्री ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप टू क्वालिफाई फॉर 4 कॉन्जिक्यूटिव अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल. ठीक है, यानी कि फाइनल्स में जाने वाली ये लगातार 4 बार ये टीम बन चुकी है. कौन सी कंट्री की? इंडिया की, है ना, कितनी अच्छी बात. 65th क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021? ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता किसे नामित किया गया है? जो रूट, क्विंटन डिनॉक, कैनी विलियमसन, डेरियल मिशेल. सो द करेक्ट आंसर इज डेरियल मिशेल. न्यूजीलैंड डेरियर मिशेल हैज़ बीन नेम द विनर ऑफ ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021. हिज गेस्ट ड्यूरिंग न्यूजीलैंड वर्सेज इंग्लैंड सेमीफाइनल इन द 2021 ICC मैन्स T20 वर्ल्ड कप इन अबूधाबी. और किस चीज़ के लिए इन्हें मिला गया है ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड? T20 वर्ल्ड कप हुआ था अबूधाबी में, ठीक है, ड्यूरिंग न्यूजीलैंड वर्सेज इंग्लैंड का सेमीफाइनल में. तो इसी के लिए डेरियल मिशेल को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 दिया गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इन विच सिटी? किस सिटी में PM नरेंद्र मोदी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन करेंगे? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, पुणे. सो द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद, बेंगलोर. ओके, ही विल बी डेडिकेटिंग अ 26th स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, कॉमोरेटिंग 11th century भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य टू द नेशन इन हैदराबाद. कहाँ पे? हैदराबाद में. और किसकी? रामानुजाचार्य की, जो 11th century के भक्ति संत थे. ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? 216 फीट. ओके, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी. और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोजेक्ट GDP ग्रोथ फॉरकास्ट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर एज पर क्रिसेल?
टीसीएल के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत का अनुमानित जीडीपी विकास पूर्वानुमान क्या है? तो क्या रहने वाला है? 7.8%. ओके, एज पर क्रिसेल द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट ऑफ इंडिया फॉर 2022 एंड 2023 इज 7.8%. ओके, अब क्रिसेल है क्या? सो इंडियन एनालिटिकल कंपनी प्रोवाइडिंग रेटिंग्स रिसर्च एंड इज अ सब्सिडियरी ऑफ अमेरिका कंपनी S&P ग्लोबल. ओके, ये रेटिंग्स प्रोवाइड करता है इंडिया की और किससे जुड़ा हुआ है? S&P ग्लोबल, जो एक अमेरिका की कंपनी है, उससे भी. ओके, 68th क्वेश्चन है, विच स्टेट या यूनियन टेरेटरी इज लाइकली टू होस्ट द IPL 2022? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में IPL 2022 की मेजबानी करने की संभावना है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, न्यू दिल्ली. सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली कन्फर्म रिसेंटली डेट IPL 2022 विल बी हेल्ड इन मुंबई एंड पुणे इन महाराष्ट्र. ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में होगा और किसने इसकी घोषणा की है? BCCI के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने. ओके, 69th क्वेश्चन इज, द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी हैज बीन डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू बी ऑब्जर्व एट विच वीक? दिस आर्मामेंट वीक, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, वर्ल्ड ह्यूमनाइजेशन वीक, वर्ल्ड स्पेस वीक. सो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक. ओके, द वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक इज ऑब्जर्व एनुअली ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी, विच मीन्स फ्रॉम फेब्रुअरी 1 to 7. ओके, 1 to 7 February तक वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक मनाया गया है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, यह अनाउंस किया था. ओके, 70th क्वेश्चन इज, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हैज बीन अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक? पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने किस बैंक के साथ साझेदारी में को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? HDFC बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने? सो द करेक्ट आंसर इज पंजाब नेशनल बैंक. ओके, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड एंड पंजाब नेशनल बैंक PNB have launched a co-branded contactless credit card in partnership with the National Payment Corporation of India, NPCI. Okay, 71st question is, NASA is planning to retire the International Station by which year? NASA किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करने की योजना बना रहा है? December 2025, January 2031, March 2030 या January 2026? So द करेक्ट ऑप्शन इज बी January 2031. January 2031 तक नासा का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको बदल डालेगा. ओके, सो नासा इज प्लानिंग टू रिटायर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन January 2031 एंड हैज लेड आउट अ डिटेल्ड ट्रांजिशन प्लान. ओके, और एक नया ट्रांजिशन प्लान बना रहा है धीरे धीरे, यानी कि नया ट्रांजिशन प्लान लेके आएगा और पुराना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर करना चाहता है नासा. ओके, नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है? बिल नेल्सन. ओके, बिल नेल्सन. 72 क्वेश्चन इज, द सेकेंड हाईएस्ट इंडियन फ्लैग इन द कंट्री हैज बीन होस्टेड इन विच स्टेट? देश का दूसरा सबसे ऊंचा भारतीय ध्वज किस शहर में फहराया गया है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, लद्दाख? सो द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. ओके, अरुणाचल प्रदेश CM पेमा खांडू होस्टेड अ 100 फीट टॉल मॉन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग एट नगनगापा नाथ में बुद्धा पार्क इन तवांग. ओके, कहाँ पे? नगनगापा नाथ में, जिसे बुद्धा पार्क कहा जाता है त्वांग भाषा में. ठीक है, और कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में. 73rd क्वेश्चन इज, एवरी ईयर 4th of February इज ऑब्जर्व एट विच डे ग्लोबली? हर साल 4 February को विश्व स्तर पर किस दिन के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे? सो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड कैंसर डे. ओके, सो 4th February सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कैंसर डे. ओके, अब कैंसर डे की थीम क्या है इस बार? क्लोज द केयर गैप. थीम क्या है कैंसर की? क्लोज द केयर गैप. ओके, वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ग्लोबली ऑन 4th February बाय द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर वर्ल्ड, UICC. 74th क्वेश्चन इज, द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
February 2, February 3, February 1, February 4. So, the correct answer is February 4. February 4 is celebrated as the International Day of Human Fraternity. The International Day of Human Fraternity is celebrated across the world on 4th February. The first International Day of Human Fraternity was held in 2021. Okay? अब पहला जो मनाया गया है वो 2021 में ही मनाया गया, यानी कि पिछले साल से ही इसकी शुरुआत हुई है. ओके, 75th क्वेश्चन इज विच स्टेट टैबलो वॉज एडजस्ट एज द बेस्ट इन रिपब्लिक डे परेड 2022. गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी का सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है. ओके, सो 26 जनवरी के टाइम किस झांकी को बिल्कुल बेस्ट सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा. द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश. राइट, उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ नाम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम, ये नाम था. ओके, झांकी का विषय क्या था? एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम. राइट, 76th क्वेश्चन इज विच बैंक हैज पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू सेटअप आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन एट रेडफोर्ट टू प्रमोट GI प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री. देश के GI उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लाल किले में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन स्थापित करने के लिए किस बैंक ने संस्कृति मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक. सो द करेक्ट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ओके, GI टैक्स को बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव किया गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77. RBI हैज कैंसल द लाइसेंस ऑफ इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक लोकेटेड. RBI ने इंडिपेक्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है. बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, नासिक, पुणे, रायपुर, कोची. सो द आंसर इज नासिक, महाराष्ट्र. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल द लाइसेंस ऑफ इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र. 78th क्वेश्चन इज परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर हैज बीन कमीशन बाय IISc. इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया. व्हाट इज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ परम प्रवेगा? अब परम प्रवेगा क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर है ये भी, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया. अब इसकी स्पीड पूछिए कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है. सो इसकी प्रोमिसिंग स्पीड क्या है? प्रोसेसिंग स्पीड 3.3 पेटाफ्लॉप. ओके, 3.3 पेटाफ्लॉप. द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु हैज इंस्टॉल्ड एंड कमीशन परम प्रवेगा. परम प्रवेगा हैज अ टोटल सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ 3.3 पेटाफ्लॉप. ओके, 79th क्वेश्चन इज विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज इनॉग्रेटेड अ डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी पार्क फॉर द IT सेक्टर. किस पूर्वोत्तर राज्य ने IT क्षेत्र के लिए एक समर्पित प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम. सो द आंसर इज मेघालय. मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संग इनॉग्रेटेड द शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क. सेवरल कंपनीज हैव सबमिटेड देयर एसेंट टू ओपन देयर ब्रांचेस. ठीक है, कई लोगों ने यहाँ पर सबमिट भी कर दिया है अपना एसेंट इसमें अपने ब्रांचेस खोलने के लिए. ओके, सो किस पूर्वोत्तर राज्य ने IT क्षेत्र के लिए एक समर्पित प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? IT के लिए किसने किया है? मेघालय ने. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट. 80th क्वेश्चन है, इंडिया हैज ऑफर्ड अ 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू 80 कैडेट्स फ्रॉम विच नेशन. भारत ने किस देश के 80 कैडेटों को 1 साल के प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश की है? रशिया, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान. सो द करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान. इंडिया हैज ऑफर्ड अ 12-month ट्रेनिंग प्रोग्राम टू 80 अफगान कैडेट्स हु रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम वेरियस मिलिट्री अकेडमिक्स इन इंडिया. ओके, जो डिफरेंट वेरियस मिलिट्री अकेडमिक्स से पढ़े हैं, ग्रेजुएशन किया है अपना, किसने? अफगान लोगों ने. ठीक है, अफगान कैडेट्स ने, उसको इंडिया ने ऑफर किया है कि 12 मंथ का ट्रेनिंग दी जाएगी. ठीक है, तो कौन से नेशन को ऑफर दिया है इंडिया ने? अफगानिस्तान को. 81st क्वेश्चन इज द अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स. ओके, OECM साइट. इन विच सिटी इज द साइट लोकेटेड? अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र
आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। साइट किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी, चंडीगढ़, पुणे, गुरुग्राम। सो द आंसर इज गुरुग्राम, हरियाणा। द अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इन गुरुग्राम, हरियाणा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स OECM साइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द इंटीग्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़ द वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान इज ऑपरेशनल इन हाउ मेनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। छत्तीसगढ़ के एकीकरण के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है? सो द आंसर इज 35 स्टेट्स। ओके, विद द इंटीग्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़ द ONORC प्लान इज नाउ ऑपरेशनल इन 35 स्टेट्स। UTs covering almost 96.8% of about 77 crore NFSA beneficiary in the country. Okay, यानी कि कितने states अब हो गए हैं, 35 states हो गए हैं और almost 96.8% cover किया जा रहा है 77 crore NFSA beneficiaries in the country. Okay, 83 question is former RBI governor Urjit Patel has stepped down as the नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी? ITC लिमिटेड, डाबर लिमिटेड, ब्रिटेनिया इंडस्ट्री लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। सो द करेक्ट आंसर इज ब्रिटेनिया इंडस्ट्री लिमिटेड। अब उर्जित पटेल फॉर्मर RBI के गवर्नर थे और ये 24th नंबर के गवर्नर थे। ओके, द फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI गवर्नर उर्जित पटेल हैज टेंटर्ड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ब्रिटेनिया इंडस्ट्री लिमिटेड। यानी कि ब्रिटेनिया इंडस्ट्री लिमिटेड से उर्जित पटेल ने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। ओके, 84th क्वेश्चन इज द ट्रेडिशनल तौरगिया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर। ओके, न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करने वाला ऐसा कौन सा स्टेट है जो सेलिब्रेट करता है तौरगिया फेस्टिवल? सो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। सो द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड तौरगिया फेस्टिवल द 3-day ट्रेडिशनल फेस्टिवल इज एक्सक्लूसिवली हेल्ड इन तवांग मॉनेस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश बाय द मोनपा कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी? मोनपा कम्युनिटी। ओके, 85th क्वेश्चन इज स्केलेटल रिमेन्स ऑफ अ मैन बरीड नियर अ हेडलेस हॉर्स हैव बीन फाउंड इन विच कंट्री। बिना सिर के घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष किस देश में मिले हैं? चाइना, रशिया, जर्मनी, ग्रीस। सो द करेक्ट आंसर इज जर्मनी। रिसर्चर्स हैव रिसेंटली फाउंड स्केलेटल रिमेन्स ऑफ अ मैन बरीड नियर अ हेडलेस हॉर्स। द रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन क्रिल्टल इन साउथर्न जर्मनी। कहाँ पे मिला है? साउथर्न जर्मनी में मिला है। ठीक है, नाइटलिंगन में मिला है और कहाँ पे है ये? साउथर्न जर्मनी में। ओके, 86th क्वेश्चन इज इन फेब्रवरी 2022 two new sites from India has been added to the Ramsar list. Name the two newly added sites. Okay, फरवरी 2022 में भारत की दो नई sites को रामसर सूची में जोड़ा गया है। नई जोड़ी गई दो साइटों के नाम बताइए। ठीक है, तो फरवरी 2022 में दो न्यू sites जोड़ी गई हैं, उन दोनों न्यू sites का हमें नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज खेजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज खेजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड भगीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि बोथ ANB। ओके, अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडेड खेजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहाँ पे है? गुजरात में है, एंड भगीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश, एडेड एज न्यू रामसर साइट्स। ठीक है, तो भगीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में और खेजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में, इन दोनों को यूनेस्को साइट्स में इंक्लूड कर लिया गया है। ओके, 87th क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्ट बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमें बताना है किसे नियुक्त किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज रवि मित्तल, सुधाकर शुक्ला, मुकुलिता विजय वर्गीय, नवरंग सैनी। सो द करेक्ट आंसर इज रवि मित्तल। ओके, द करेक्ट आंसर इज रवि मित्तल। रवि मित्तल द फॉर्मल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंटल ऑफ स्पोर्ट्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्ट बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI।
एज पर द नोटिफिकेशन इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स, कोऑपरेटिव अफेयर्स ने ये नोटिस इशू किया है कि रवि मित्तल जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स थे, अब उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्ट बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट टैबलो वॉज नेम्ड बेस्ट इन पॉपुलर चॉइस, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा. ओके, बेस्ट पॉपुलर चॉइस में किसे अवार्ड मिला है, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा. सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वॉज पिक्ड एज द बेस्ट स्टेट टैबलो इन द पॉपुलर चॉइस कैटेगरी. ओके, ड्यूरिंग रिपब्लिक डे. 89th क्वेश्चन इज विच कंट्री री लॉन्च द कैंसर मून शॉट प्रोग्राम, किस देश ने कैंसर मून शॉट कार्यक्रम फिर से शुरू किया है, रशिया, USA, चाइना, UK. सो द करेक्ट आंसर इज USA. ओके, और ये जो प्रोग्राम था ओबामा ने शुरू किया था, तो इसी प्रोग्राम को जॉन बाइडन ने फिर से रीलॉन्च करने की घोषणा की है. बेस्ड ऑन द डाटा रिलीज बाय द इकोनॉमिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, व्हाट वाज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्डेड इन जनवरी 2022. ओके, जनवरी 2022 में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट दर्ज की गई है, 6.97%, 7.7%, 5.47%, 6.57%. सो द करेक्ट आंसर इज 6.57%. द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन जनवरी 2022 फेल शार्पली टू 6.57%, अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम द इकोनॉमिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी. दिस इज द लोएस्ट रेट विटनेस सिंस मार्च 2021. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91. द 2022 विंटर ओलंपिक इज बींग हेल्ड इन बीजिंग, व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ द इवेंट, पैशन कनेक्टेड, यूनाइटेड बाय इमोशन, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर. सो द करेक्ट आंसर इज टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर. ओके, द 2022 विंटर ओलंपिक के ऑफ इन बीजिंग, कहाँ पे हो रहा है, बीजिंग में हो रहा है, बीजिंग के चाइना में, एंड विल कंटिन्यू. ऑफिशियल स्लोगन क्या है, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर. ठीक है, सो 2022 विंटर ओलंपिक का जो स्लोगन है वो क्या है, टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर, और कहाँ पे आयोजित हुआ था, बीजिंग चाइना में. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC इन 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, VS कृष्णा, M जगदीश कुमार, हृदयनाथ कुंजू, सतीश चंद्रा. सो द करेक्ट आंसर इज जगदीश कुमार. ओके, जगदीश कुमार इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC इन 2022. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार टी सेल थेरेपी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज यूज टू ट्रीट विच डिसीज. कार टी सेल थेरेपी, कौन सी थेरेपी, कार टी सेल थेरेपी जो समाचारों में देखी गई थी, किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है, सिकल सेल अनिमिया, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, कैंसर. सो द करेक्ट आंसर इज कैंसर. ओके, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कार टी सेल थेरेपी वर्क्स बाय जेनेटिकली इंजीनियरिंग एंड इंडिविजुअल टी सेल्स टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स. ओके, क्या नाम है रिसेप्टर का, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कार टी सेल थेरेपी. ओके, 94th क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द टैबलो ऑफ महाराष्ट्र फॉर 2022, इको फ्रेंडली एंड आत्मनिर्भर, बायोडाइवर्सिटी एंड स्टेट बायो सिंबल्स ऑफ महाराष्ट्र, सी ऑप्शन इज अयोध्या, एंड डी इज विजन ऑफ द फ्यूचर. सो द करेक्ट आंसर इज बायोडाइवर्सिटी एंड स्टेट बायो सिंबल्स ऑफ महाराष्ट्र. तो 2022 के लिए महाराष्ट्र की झांकी का विषय महाराष्ट्र की जैव विविधता और राज्य जैव प्रतीक है. ठीक है, 95th क्वेश्चन इज हु हैज बीन स्वॉन इन एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन प्लेस ऑफ दीपक दास. दीपक दास के स्थान पर लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने शपथ ली है, अनिल यादव, सोनाली सिंह, दिनेश कुमार गुप्ता, अशोक कुमार पाल. सो द करेक्ट आंसर इज सोनाली सिंह. ओके, सोनाली सिंह इज अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स 2022. राइट, 96th क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑन नीरज चोपड़ा टाइटल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा. ओके, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है, मनोरमा जफा, नवदीप सिंह गिल, BN गोस्वामी, जगरीत कौर. सो द करेक्ट आंसर इज नवदीप सिंह गिल. अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा टाइटल
गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ऑथर्ड बाय नवदीप सिंह गिल हैज़ बीन रिलीज्ड, ओके रिलीज हो चुकी है ये बुक। 97th क्वेश्चन इज पुनौरा धाम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, खबरों में रहा पुनौरा धाम किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज बिहार, ओके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। पुनौरा धाम लोकेटेड इन बिहार हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द रामायण सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम, इट हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर प्रसाद स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। बिहार स्थित पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, किसमें शामिल किया गया है, रामायण सर्किट में, इस पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98, विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड मिशन भगीरथा टू मेक सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, स्थायी पेयजल स्रोत बनाने के लिए किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित देश ने मिशन भगीरथ शुरू की है। फर्स्ट ऑप्शन इज तेलंगाना, बी झारखंड, सी बिहार, डी वेस्ट बंगाल। सो द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना हैज़ लॉन्च मिशन भगीरथा टू मेक ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज सेफ एंड सस्टेनेबल, ओके। 99th क्वेश्चन इज वॉट इज द थीम ऑफ द टैब्लो ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर 2022। इस क्वेश्चन को अर्लियर भी हमने देखा था थ्रू एक्सप्लेनेशन, सो इसका आंसर आप देखो और सोचो अपने दिमाग में। फर्स्ट ऑप्शन इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बी काशी विश्वनाथ धाम, सी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम, डी वन नेशन वन कार्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम। द थीम ऑफ द टैब्लो ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम, ओके। 100th क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द लोएस्ट एंड हाइएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जनवरी 2022। जनवरी 2022 में किस भारतीय राज्य ने सबसे कम और उच्चतम बेरोजगारी दर्ज की है। फर्स्ट ऑप्शन इज ए तेलंगाना हरियाणा, बी गुजरात मेघालय, सी केरला छत्तीसगढ़, डी उड़ीसा दिल्ली। सो द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना रिकॉर्डेड द लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जनवरी एट 0.7% एंड हरियाणा हाइएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, हाइएस्ट यानी कि 23.4% हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट है और सबसे कम कहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तेलंगाना 0.7%, ओके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 101 आरिफ खान हु इज द लोन इंडियन एथलीट टू अटेंड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 2022 विंटर ओलंपिक इज क्वालिफाइड फॉर विच ओलंपिक स्पोर्ट्स। आरिफ खान जो 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट हैं, अल्पाइन स्कीयर के लिए योग्य हैं, ओके सो इनका आंसर क्या हो जाएगा, स्काइंग, ओके। आरिफ खान हु इज़ द लोन इंडियन एथलीट टू अटेंड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 2022 विंटर ओलंपिक इज क्वालिफाइड फॉर अल्पाइन स्कायर, ओके। 102 क्वेश्चन इज वॉट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ एस्टिमेटेड ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर द फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स रिलीज बाई NSO, ओके। NSO द्वारा जारी किया गया प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ क्या रहेगी इंडिया की 2021 के लिए, 7.6%, बी 7.3%, सी 6.6%, डी 6.1%। सो द करेक्ट आंसर इज 6.6%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिकेट प्लेयर हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। हेनरी निकोलस, डेरी मिशेल, जेम्स निशम, मार्टिन गुप्तिल, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी अर्लियर भी देखा, सो द आंसर इज डेरिल मिशेल एंड ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। 104th क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द ग्राफिक नोवल अथर्वा द ओरिजिन इन विच क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज द सुपर हीरो अथर्वा, ओके। तो महेंद्र सिंह धोनी पे ना एक नोवल का एक फ्रंट पेज रिलीज हुआ है, तो इनके ऑथर कौन है, ओके। फर्स्ट ऑप्शन इज शमिक दास गुप्ता, रमेश थाईमलानी, सी सरनाथ बैनर्जी, डी अशोक बैंकर। सो द करेक्ट आंसर इज रमेश थमिलमानी, ओके। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज द सुपर हीरो अथर्वा इन द ग्राफिक नोवल। द ग्राफिक नोवल इज ऑथर्ड बाय रमेश थाईमलमानी, ओके। रमेश थामिलमानी, ओके।
राहुल भाटिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच एयरलाइन कैरियर? राहुल भाटिया को किस एयरलाइन कैरियर के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? एयर इंडिया, गो एयर, विस्तारा, इंडिगो। सो द करेक्ट आंसर इज इंडिगो। ओके, द लो कॉस्ट इंडियन एयरलाइन इंडिगो हैज़ अपॉइंटेड इट्स को फाउंडर एंड प्रमोटर राहुल भाटिया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एमजी ऑफ कंपनी। ओके, 106 क्वेश्चन इज विच बेस ईयर इज यूज टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन कॉन्स्टेंट प्राइसेस? स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किस आधार वर्ष का उपयोग किया जाता है? किस आधार वर्ष का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज 2014 टू 15, 2010 से 11, 2011 से 12, 2008 से 9। सो द करेक्ट आंसर इज सी, 2011 से 12 को बेस लेके। ठीक है, ये क्या है, एक बेस है और इसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन कॉन्स्टेंट प्राइसेस। ओके, 107 क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च्ड अ ड्राइव टू मेक द स्टेट फ्री फ्रॉम कैटरेक्ट एंड कैटरेक्ट इंड्यूस ब्लाइंडनेस? किस राज्य ने राज्य को मोतियाबिंद और मोतियाबिंद से प्रेरित अंधेपन से मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज गुजरात। ओके, गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल लॉन्च द ड्राइव टू मेक द स्टेट फ्री फ्रॉम कैटरेक्ट एंड कैटरेक्ट इंड्यूस ब्लाइंडनेस। ठीक है, कैटरेक्ट और कैटरेक्ट से होने वाले ब्लाइंडनेस को कम करने के लिए गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, यह अभियान शुरू किया है। ओके, 108 क्वेश्चन इज विच स्टेट सीएम लॉन्च जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप स्कीम? जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप स्कीम योजना किस शहर के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? फर्स्ट ऑप्शन इज तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी वेस्ट बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी लॉन्च द जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट फ्रॉम द टेडापल्ली कैंप ऑफिस। कौन से ऑफिस से? टेडापल्ली कैंप ऑफिस से, जो आंध्र प्रदेश के CM है YS जगनमोहन रेड्डी ने ये स्कीम लॉन्च की है। कौन सी स्कीम? जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना। ओके, 109th क्वेश्चन इज विच विल बी द फर्स्ट ट्रेन स्टेशन टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बुलेट ट्रेन रूट? बुलेट ट्रेन रूट पर बनने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज आनंद, सेकंड इज सूरत, सी ऑप्शन इज अहमदाबाद, डी अमरेली। सो द करेक्ट आंसर इज सूरत। सूरत विल बी द फर्स्ट स्टेशन टू बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन मुंबई अहमदाबाद रूट सेट फॉर द कंट्रीज फर्स्ट बुलेट ट्रेन। ओके, इनकी बुलेट ट्रेन के लिए पहला स्टेशन कहाँ पर बनाया जाएगा? सूरत में बनाया जाएगा। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 110, नेम द बेस्ट मार्चिंग कंटाइजेंट ऑफ द डिफेंस सेक्टर ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान रक्षा क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का नाम बताइए। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज इंडियन एयरफोर्स, बी इंडियन आर्मी, सी इंडियन कोस्ट गार्ड, डी इंडियन नेवी। सो द करेक्ट आंसर इज इंडियन नेवी। इंडियन नेवी मार्चिंग कंटाइजमेंट हैज बीन adjust as the best marching contingent among the three services, the Ministry of Defense. Okay? 111 question is, what is the length of the Statue of Equality that has been dedicated by PM? PM द्वारा समर्पित की गई Statue of Equality की लंबाई कितनी है? First option, 160 feet, 150 feet, 250 feet, 216 feet. So, the correct answer is 216 feet. Prime Minister Narendra Modi has dedicated to the nation 216 feet tall Statue of Equality in Hyderabad to commemorate the 11th century Bhakti Sant Ramanujacharya. यानी 11th century के जो भक्ति संत थे रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में 216 feet ऊंची Statue of Equality राष्ट्र को समर्पित की है। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, 112th question is, which state has launched the Ovava Art of Self-Defense Training Program for 50,000 girls students? किस राज्य ने 50,000 छात्राओं के लिए आवा आर्ट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका, डी केरला। सो द राइट आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने लड़कियों के सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है और कम से कम इसमें कितने स्टूडेंट्स होंगे? 50,000 गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। ओके, बाय विच गवर्नमेंट? कर्नाटका गवर्नमेंट। 112th क्वेश्चन इज,
विच स्टार फुटबॉलर ऑफ इंडिया हैज जॉइंटली टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट गोल स्कोरर इन ISL हिस्ट्री? ए सुशील छेत्री, बी अनिरुद्ध थापा, सी संदेश जिंगन, डी सुनील छेत्री. सो द करेक्ट आंसर इज सुनील छेत्री. ओके, इंडिया के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री हैज जॉइंटली टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट गोल स्कोरर इन इंडिया सुपर लीग ISL हिस्ट्री. राइट, 113 क्वेश्चन इज द फाइनल मैच ऑफ द 2022 ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप वॉज हेल्ड एट सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम इन विच कंट्री इज दिस स्टेडियम बेस्ड? ओके, 2022 ICC अंडर 19 विश्व कप चैंपियनशिप का फाइनल मैच सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में आयोजित किया गया था. यह स्टेडियम किस देश में स्थित है? ए इंग्लैंड, बी एंटीगुआ, सी बारबुडा, डी वेस्ट इंडीज. सो द करेक्ट आंसर इज एंटीगुआ एंड बारबुडा. ओके, द फाइनल मैच हैज प्लेड एट सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम नॉर्थ साउंड एंटीगुआ. ओके, 114th question is, what is the theme of the 2022 International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation? A. Accelerating investment to end FGM. B. No time for global inaction. Unite, fund, and act, end FGM. C. Achieving the new global goals through the elimination of female genital mutilation by 2030. D. Unleashing youth power. So, the correct answer is accelerating investment to end FGM. Okay, theme of 2022 International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation is accelerating investment to end FGM. Kya hai theme? Accelerating investment to end FGM. Right? 115th question is, KVIC has cancelled the certification of which of the following khadi institution for selling fake khadi products? Okay, खादी विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने नकली खादी उत्पाद बेचने के लिए निम्नलिखित में से किस खादी संस्थान का प्रमाणन रद्द कर दिया गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड खादी एंड विलेज बोर्ड, ऑप्शन बी इंदौर खादी संघ, खादी उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, ऑप्शन सी केरला गांधी सवरका निधि, ऑप्शन डी मुंबई खादी एंड विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन. सो द करेक्ट आंसर इज मुंबई खादी एंड विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन. This association is very old, okay? So, Mumbai Khadi and Village Industry Association का license रद्द कर दिया है KVIC ने, क्योंकि ये नकली खादी उत्पाद कर रही थी और नकली खादी उत्पाद को बेच भी रही थी, okay? और ये बहुत ही पुरानी खादी एसोसिएशन भी है, तो इसी का लाइसेंस KVIC ने रद्द कर दिया गया है, ओके? खादी और ग्रामोद्योग ग्रामीण KVIC ने मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ MKVIA नामक सबसे पुराने खादी संस्थान के खादी प्रमाणन को रद्द कर दिया गया है. 116th question is, which social media platform launched the take a break feature globally including India? भारत सहित विश्व स्तर पर किस social media platform ने take a break feature launch किया है? Option A WhatsApp, option B Facebook, C Instagram, D Twitter. So the correct answer is Instagram. युवाओं को अपने Instagram अनुभव को बेहतर ढंग से प्रभावित करने में मदद करने के लिए मेटा के स्वामित्व वाले फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ने 4 फरवरी को भारत सहित पूरे भारत में एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है. ओके, 117 क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज वॉन 2 गोल्ड मेडल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इवेंट इन द विंटर ओलंपिक 2022? शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किस देश ने आयोजन के पहले दिन 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन ए नॉर्वेजियन, बी स्वीडन, सी आइसलैंड, डी फिनलैंड. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नॉर्वेजियन. ओके, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के पहले ही दिन 2 गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन सा कंट्री है? नॉर्वेजियन. राइट, 118 क्वेश्चन इज इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन 2022 ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप? अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप भारत ने किसको हरा के जीता है? सो भारत ने किसको हराया है? इंग्लैंड को. ओके, बाय 4 विकेट्स टू विन द 2022 ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप. राइट, 119th question is, Deval Brivis, who has placed the Player of the Tournament award at the 2022 ICC Under-19 World Cup Championship, play for which country? Okay, David Brivis, जिन्होंने 2022 ICC Under-19 विश्व कप चैंपियनशिप में Player of the Tournament का पुरस्कार जीता है, किस देश के लिए खेलते हैं? A. Australia, B. England, C. South Africa, D. West Indies. Explanation. Okay, so the correct answer is he is from South Africa.
David Brewis, South Africa, has clinched the Player of the Tournament award at the 2022 ICC Under 19 World Cup Championship. तो कहाँ के हैं ये? साउथ अफ्रीका के, जिन्हें Under 19 World Cup में विश्व कप चैंपियनशिप में Player of the Tournament का प्राइज मिला है. 120 question is, the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation is being celebrated on which date? किस दिन महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इज फेब्रवरी 8, बी फेब्रवरी 7, सी फेब्रवरी 4, डी फेब्रवरी 8. सो फेब्रवरी 6 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर वुमन फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन. ओके, 121st क्वेश्चन इज, द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन जयपुर वॉज लेड. It is to be said that third largest stadium in the world. What is the proposed seating capacity of the stadium? तो स्टेडियम को प्रस्तावित बैठने की क्षमता क्या है? जयपुर का जो स्टेडियम है उसे कहा गया है कि ये वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ा स्टेडियम है, और इसकी फिर बैठने की क्षमता कितनी है ये बताना है. ऑप्शन ए 95,000, ऑप्शन बी 80,000, ऑप्शन सी 1,00,000, ऑप्शन डी 75,000. सो द करेक्ट आंसर इज 75,000. The stadium will have a seating capacity of 75,000 spectators, right? अब हमें बताना है ना कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है. सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम इज द नरेंद्र मोदी स्टेडियम विच इज इन अहमदाबाद, राइट. 122 क्वेश्चन इज, द लेजेंडरी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द सिंगर ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस भारत रत्न अवार्ड. भारत की महान कोकिला लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया. निम्नलिखित में से किस वर्ष गायिका को प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2005. सो द करेक्ट आंसर इज 2001. द लेजेंडरी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर ऑनर विद भारत रत्न इन 2021. ओके, इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है, राजीव गांधी अवार्ड भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है 1999 में. ओके, 123 क्वेश्चन इज, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स आर फाउंड इन इंडिया एज ऑफ 2022. भारत में 2022 तक जंपिंग स्पाइडर की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं या पाई गई हैं? ए 267, बी 277, सी 287, डी 294. सो द करेक्ट आंसर इज 287. 287 species of jumping spiders are reported from India. Okay. 124 question is, which Indian skier led the 4-member Indian contingent during the opening ceremony of Winter Olympic? शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय स्कीयर ने 4 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व किया. ऑप्शन ए संजय वर्मा, ऑप्शन बी मोहम्मद आरिफ खान, ऑप्शन सी संजीत मेहता, ऑप्शन डी संदीप शर्मा. So the correct answer is Muhammad Arif Khan, or he is the only person जिसने विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है. तो इनका नाम क्या है? आरिफ खान है, ठीक है. और इन्होंने भारतीय स्कीयर ने 4 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व भी किया है. किसने? आरिफ खान ने. और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट. 125th क्वेश्चन इज, विच इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीकन यूनियन समिट 2022. अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा है? कौन सा शिखर सम्मेलन? अफ्रीकी संघ का, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन. ऑप्शन ए माली, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी इथोपिया, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इथोपिया. द अफ्रीकन यूनियन समिट 2022 बिगेन इन द AU हेडक्वार्टर्स एडिस अबाबा इथोपिया. कहाँ पे हुआ है अफ्रीकन यूनियन समिट 2022? इथोपिया में, राइट. 126 क्वेश्चन इज, विच नेशन हैज वॉन द अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट. ऑप्शन ए स्नेगल, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इजिप्ट, ऑप्शन डी साउथ कोरिया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्नेगल. स्नेगल बीट इजिप्ट इन द फाइनल एंड वॉन एफकॉन टाइटल. और किसको हराया है? इजिप्ट को हराया है. ओके, 127 क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज वॉन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 अवार्ड बाय द CII. किस बैंक ने CII द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए कर्नाटका बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी ICICI, ऑप्शन डी HDFC. सो द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका बैंक.
Karnataka Bank has won the Digital Transformation Award, DX 2021 Award. Okay. Recognition of the Innovative Best Practice KVL Vikas. ठीक है, KVL Vikas के लिए कर्नाटका बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है. 128 क्वेश्चन इज, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैज कमीशन द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर नेम परम प्रवेग इन इंडिया. ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी गुजरात. यानी कि भारत ने किस भारतीय विज्ञान संस्थान ने भारत में परम प्रवेग नामक सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चालू किया है. सो द आंसर इज ऑप्शन बी बेंगलुरु. यानी कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर हैज कमीशन द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर नेम परम वेलोसिटी इन इंडिया. ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एक बनाया है जिसका नाम क्या रखा है, परम वेलोसिटी इन इंडिया. ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 129th क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एन ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम नेम्ड परे शिक्षालय फॉर क्लासेस फर्स्ट टू फिफ्थ. किस राज्य ने कक्षा 1 से 7 के लिए परे शिक्षालय नामक एक ओपन एयर कक्षा शुभारंभ किया है. वेस्ट बंगाल, गोवा, तमिलनाडु, केरला. सो द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज लॉन्च ओपन एयर क्लासरूम नेम्ड परे शिक्षालय फॉर स्टूडेंट्स क्लासेस फर्स्ट टू सेवन. 1 से 7 कक्षाओं के लिए परे शिक्षालय का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है किसने, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने. 130 क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द NCERT. NCERT के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. ऑप्शन ए दिनेश प्रसाद सकलानी, ऑप्शन बी राजेश प्रसाद सकलानी, ऑप्शन सी राहुल प्रसाद सकलानी, ऑप्शन डी दिनेश प्रसाद सकलानी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दिनेश प्रसाद सकलानी. दिनेश प्रकाश सकलानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT फॉर 5 years. कितने साल के लिए, 5 साल के लिए. अब NCERT की स्थापना कब हुई थी, NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में. ओके, 132 क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ JNU. JNU के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. प्रिया दुलुपति पंडित, ऑप्शन बी संतीश्री दौलपुदी पंडित, ऑप्शन सी पूजा दौलपुदी पंडित, ऑप्शन डी माया दौलपुदी पंडित. सो द करेक्ट आंसर इज संतीश्री दौलपुदी पंडित. संतीश्री दौलपुदी पंडित हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, बुक्स हैं, ओके, कितना फंड रिलीज किया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. 132 क्वेश्चन इज, इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एडमिनिस्टर अ DNA वैक्सीन अगेंस्ट COVID-19. विच कंपनी हैज़ प्रोड्यूस द प्लाज्मिड DNA वैक्सीन. भारत COVID-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है. ओके, किस कंपनी ने इस प्लाज्मिड DNA वैक्सीन का उत्पादन किया है. ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रेनबैक्सी लेबोरेटरीज, ऑप्शन सी जाइडस कैडिला, ऑप्शन डी भारत बायोटेक. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जाइडस कैडिला. जाई कोविड डी जो दुनिया का पहला प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है, अहमदाबाद स्थित वैक्सीन निर्माता जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित किया गया है और इसे पहली बार पटना में प्रशासित किया गया था. पहली बार कहाँ प्रशासित किया गया, पटना में. ओके, प्लाज्मिड DNA वैक्सीन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी विच इंक्लूड्स एंटीजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कैपेबल ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शन डिसीजेज एंड ट्यूमर सेल्स. ओके, 133 क्वेश्चन इज, एंड आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है. ओके, और यहाँ पे हमारा फेब्रुअरी 2022 करंट अफेयर्स का पार्ट वन आज यहाँ पे खत्म हो जाएगा. ओके, सो 133 क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ द AFC वुमेन एशिया कप इंडिया 2022. ऑप्शन ए साउथ कोरिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चाइना PR. सो द करेक्ट आंसर इज चाइना PR. चाइना PR ने AFC वुमेन एशिया कप इंडिया 2022 जीत लिया है. ओके, वॉन द AFC वुमेन एशियन कप इंडिया 2022 फाइनल टाइटल एंड डिफीटेड साउथ कोरिया, कोरियन रिपब्लिक. किसे डिफीट किया है, साउथ कोरिया को 3-2 से. ओके, 3-2 से हराया है चाइना PR ने और टाइटल जीत लिया है AFC वुमेन एशिया कप इंडिया 2022. ओके, सो आज हमने फेब्रवरी 22 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs देख लिए हैं और ये पार्ट वन है. पार्ट टू में हम कवर करेंगे फेब्रवरी के
नेक्स्ट MCQs जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे हर एग्जाम के लिए. ओके सो इसी वीडियो से आपके लिए आज के जो दो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. आप इस क्वेश्चंस को पढ़ें और मुझे नीचे वीडियो में कमेंट करके इन क्वेश्चंस का आंसर दें. ओके सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको अच्छी तरह समझ में आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्न विद ट्रिक्स. और कोई भी आपको वैल्यूएबल फीडबैक देना हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. कोई सजेशन देना हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.